खबर श्योपुर के ओझापुरा ग्राम से है, जहां परिजनों के आरोप अनुसार झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 6 साल के मासूम बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन बच्चों को ग्वालियर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजन शव को लेकर ओझापुरा थाने पहुंचे हैं। थाने में शव रख कर आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ओझापुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। एक और सरकार इन झोलाछाप डॉक्टरों पर नकेल कसने के आदेश निकाल रही है, तो वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी कोई कार्रवाई न कर रहे हैं। इस आदेश की आड़ में अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। नतीजा आज एक और बच्चे की जान चली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे झोलाछाप डॉक्टर बच्चों को सड़क किनारे पाइप से लटका कर ड्रिप लगा रहे हैं, किस तरह मेडिकल नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे ही बच्चे की मौत की खबर डॉक्टरों को लगी, अपनी दुकान बंद करके भाग गया। श्योपुर से संवाददाता आमिर कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर मैं अच्छा वाला, मेरे बच्चों को बुखार आया था, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं हम कर देंगे इलाज और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं बोला ठीक है साहब अच्छा कर देना, कितना पैसा लगेगा? बोला पैसा लगेगा थोड़ा, अच्छा कर देंगे। मैं ठीक है साहब अच्छा 2 इंजेक्शन दे देता हूँ और तुम्हारा बच्चा सुबह सही हो जाएगा। मैं ठीक है साहब, उन्होंने 2 इंजेक्शन जी भैया पता नहीं कौन सा इंजेक्शन, मुझे मतलब पता नहीं, मुझे भी पता नहीं ला दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं उतना कल ला दिया ऊपर उसने इंजेक्शन ठाँस दिए। ठाँसते कहीं 1 घंटा पर बच्चे को आराम मिला। आराम बाद मिलने के बाद 1 घंटे बाद बच्चे इस तरह तरफ आया, इस तरह तरफ आया कि उसे जी उखलाने लग गया पूरा। फिर उसके बाद दोबारा मैं उसको बुलाया डॉक्टर में, साहब आना मेरे पास टाइम नहीं है ना, कोई उल्टी सीधी बात बोलने लग गया मेरे को। ठीक है साहब भैया क्या कर लेना तुम पे, क्या करेगा तुम मेरा? अच्छा हाँ मैं ठीक है साहब देख लेंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं सबक लेके गया बच्चे को, प्राइवेट में दिखाया, प्राइवेट में नहीं जला वो। फिर श्योपुर गया, श्योपुर उसने 1 रात इलाज किया, 4 बजे तक इलाज किया। उसके बाद उसने रेफर कर दिया ग्वालियर में, उसने मना कर दिया नहीं हो रहा है। मैं बोला क्या फिर दिक्कत है? इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर बोला रिपोर्ट कल मिल जाएगी। फिर वहाँ पर जाकर रिपोर्ट बनवाई मैंने ग्वालियर, उसमें साफ लिखा है इन्फेक्शन है, किडनी सब में इन्फेक्शन हुआ बच्चे के, ये बात हुई थी सर। हाँ इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि झोलाछाप डॉक्टरों को बिल्कुल बंद किया जाए।